या थर्मल प्रिंटर के अंदर, ठीक है। ये पीछे देखें, इसकी केबल बनी हुई है, ठीक है। ये इथरनेट इसका कनेक्टर है, इथरनेट पोर्ट है, ठीक है। ये इसकी प्रिंटर वाली केबल है, डाटा केबल है। उसके बाद ये वाली जो है ना टेलीफोन की केबल है। उसके बाद ये इसकी पावर है, ठीक है। तो अभी मैं इसको जो है ना पावर लगा के, ठीक है, इसका भी पावर अडैप्टर हम निकाल लेते हैं। ये वाला इसका पावर अडैप्टर है, ठीक है। ये देखें 24 वोल्ट है और 2.5 एम्पीयर का है, ठीक है। तो इसको भी अभी पावर इसके साथ लगा के, इसको कंप्यूटर के साथ लगा के आपको मैं दिखाता हूँ, इसको इंस्टॉल करके और प्रिंट निकाल के आपको इंशाल्लाह दिखाता हूँ। अभी मैं इसकी केबल जो है ना, हम इसको ओपन कर लेते हैं। देखें केबल ओपन हो गई है। उसके बाद ये इसकी पावर है, ये हम लगा देंगे इसकी बैक साइड पर, ठीक है। ये इसकी बैक साइड पर, ठीक है। ये देखें, ये ऊपर वाला जो निशान बना हुआ है ना, ठीक है, इसको हमने ऊपर की तरफ लगाना है, ये नीचे की तरफ, ठीक है। ये देखें, ये हमने इसको ये नीचे की तरफ लगा दी है, ठीक है। ये इसकी पावर केबल जो है ना, हमने इसके साथ अटैच कर दी है। इधर हम लगाएंगे पावर केबल, ठीक है। ये वाली जो केबल है ना, हम इसको इसके साथ लगा के इसको पावर देंगे। ये स्विच जो है ना, हम लगा देंगे उसमें थ्री शू में, ठीक है। तो अभी मैं इसको पावर दे के आपको ऑन करके दिखाता हूँ। अच्छा भाई जान, अच्छा भाई जान, अभी ये देखें, ये इसका पावर का बटन है, इसको हम ऑन करेंगे, ठीक है। ये इसकी सेटिंग के बटन दिए हुए हैं, ठीक है। ये पावर का बटन है, इसको हम ऑन करते हैं। ये देखें, तो ये देखें अभी जो है ना प्रिंटर जो है ना वो ऑन हो गया, ठीक है। ये देखें अभी इसकी पावर जो है ना ऑन हो गई है, ठीक है। अभी इसको मैं जो है ना कंप्यूटर के साथ लगाता हूँ, ठीक है। कंप्यूटर के साथ लगा के तो आपको इसको जो है ना इसका ड्राइवर इंस्टॉल करके प्रिंट निकाल के दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैंने इसको कंप्यूटर के साथ अटैच कर लिया है, ठीक है। तो अभी इसका जो है ना मैं ड्राइवर इंस्टॉल करके आपको जो है ना कंप्यूटर पर जाके इसकी सेटिंग करके दिखाता हूँ, इसका प्रिंट निकाल। अच्छा भैया ना, अभी प्रिंटर की USB केबल मैंने अटैच कर दिया है, तो ठीक है। सबसे पहले हम जाएँगे माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टी में, ठीक है। माई कंप्यूटर में प्रॉपर्टी में जाके आपने जाना इधर डिवाइस मैनेजर में, ठीक है। डिवाइस मैनेजर में जाएंगे, उसके बाद ये देखें इधर आपको शो करवा देगा कौन सा ड्राइवर आपका नहीं हुआ, ठीक है। तो ये इधर आप ये शो करवा रहा है कि प्रिंटर POS 80 जो है ना, इसका ड्राइवर जो है ना वो इंस्टॉल नहीं हुआ, लेकिन जो डिवाइस है ना वो डिटेक्ट हो गई है, ठीक है। उसके बाद अभी मैं इसका जो है ना ड्राइवर इंस्टॉल करता हूँ, तो उसके बाद आपको ये दिखाता हूँ दोबारा इधर आके, ठीक है। ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए माई कंप्यूटर ओपन करेंगे, उसके बाद जो ड्राइवर पड़ा हुआ है उसको ओपन करेंगे। ये देखें, तो ये ड्राइवर था थर्मल प्रिंटर ड्राइवर, ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ, उसके बाद ये ड्राइवर लिखा हुआ है, उसके बाद विंडोज़ ड्राइवर लिखा हुआ है, उसके बाद ये देखें ये लिखा हुआ ब्लैक ऊपर POS P80 ड्राइवर सेटअप, ठीक है। इसको डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद यस के बाद नेक्स्ट, उसके बाद एक्सेप्ट, फिर नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। ये कह रहा है क्रिएट डेस्कटॉप आइकन, फिर नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट इंस्टॉल, ठीक है। ये इसका ड्राइवर जो CD इसके साथ आई थी ना, तो ये वो वाला ड्राइवर हमने इंस्टॉल किया इसके अंदर, ठीक है। इसको मैं फिनिश कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये कह रहा है कि विंडो 10 है, इधर USB के साथ अटैच है, ठीक है। तो सिलेक्ट प्रिंटर सीरीज, ठीक है। सिलेक्ट प्रिंटर सीरीज़ जो है ना इधर हम करेंगे ये BC80POS, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके तो ये इसको कर देंगे सेट डिफ़ॉल्ट प्रिंटर, ठीक है। डिफ़ॉल्ट प्रिंटर करने के बाद इसको जो है ना इंस्टॉल नाउ, ठीक है। इंस्टॉल नाउ पे आपने क्लिक कर देना है, तो उसके बाद ये देखें ये आ गया सक्सीड, डू यू वांट टू प्रिंट टेस्ट पेज, ठीक है। अभी मैं आपको टेस्ट पेज जो है ना वो करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी देखिएगा ये टेस्ट पेज जो है ना अभी मैं करता हूँ, अभी टेस्ट पेज जो है ना अभी मैं आपको कंप्यूटर्स के साथ ये देखें, ये टेस्ट पेज इसका जो है ना निकला है, ठीक है। ये टेस्ट पेज इसका जो है ना निकला है, ठीक है। POS प्रिंटर कांग्रेचुलेशन, इफ़ यू कैन रीड दिस इन्फॉर्मेशन यू हैव सक्सीड इंस्टॉल दिस प्रिंटर ड्राइवर, प्रिंटर नेम, ठीक है। ये इसका टेस्ट पेज।